जी अस्सलाम वालेकुम यू आर ऑल डूइंग गुड कंफर्म करें आवाज एंड स्क्रीन शेयर है, है, मैं। मैं, है, है।, है।, है। okay, okay. चलो जी स्टार्ट करते हैं अच्छा इसमें ना चूंकि हम सोर्सिंग की तरफ ऑन कर चुके हैं और सप्लायर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ब्रांड्स तो ये मेथड जो मैं बताने जा रही हूँ ये ब्रांड कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी मेथड है एक उसमें से और बाकी ये है कि आपको मैंने असाइनमेंट्स डिजाइन की हुई थी सबसे पहले वो जो है देख लेते हैं मैंने काफ़ी मतलब सभी स्टूडेंट्स को ज़ाहरी सी बात है कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मैंने कैटेगरीज भी असाइन कर दी थी एंड एज़ वेल मैंने असाइनमेंट अजाइन की थी आई होप के तमाम स्टूडेंट करके आए होंगे सो so, uh, जिस भी स्टूडेंट ने राइट नो अभी तक सबमिट नहीं करवाई वो इनबॉक्स में मुझे uh, सबमिट करवा दी और लास्ट में इंशाल्लाह हर स्टूडेंट से जो उनकी प्रोग्रेस के रिगॉर्डिंग हम कन्फर्मेशन कर लेंगे आपकी ही सग्री इंश्योर करवा के मैं आपकी और तमाम स्टूडेंट स्टार्टिंग uh, पे मैं इंश्योर sure कर दूँ आप लैपटॉप के थ्रू ज्वाइनिंग कीजिएगा ठीक है नो no डाउट के मोबाइल के थ्रू आप क्लास ले सकते हैं लेकिन लैपटॉप के थ्रू इसलिए बिकॉज आपकी प्रैक्टिस वगैरह लैपटॉप के थ्रू होएगी ये आप स्टार्टिंग पे कंसीडर कर ले बाद में मुझे किसी स्टूडेंट ने नहीं कहना मैम अभी लैपटॉप ये वो बंद है ये कोई नहीं ऐसा लॉजिक को आपने नहीं देना ठीक है मेरे पास तो लैपटॉप मैं तो मोबाइल पे काम करती हूँ रुक्सना आपके पास लैपटॉप नहीं है नो मैम मेरे पास नहीं मैं लैपटॉप के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है आप काम कैसे करेंगे लैपटॉप का इशू बहुत हो रहा है चलें आप ऐसे करें आप आ, अरेंज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कहीं से या इस तरह क्योंकि लैपटॉप के बगैर पॉसिबल नहीं है टूल्स की वर्किंग चलती ही लैपटॉप पे है मोबाइल पे चले टू सम समस्टेंड हम की पैड यूज़ कर लेते हैं लेकिन उसमें ना ज़्यादा मज़ा नहीं आता काम करने का जितना लैपटॉप में हम एक पोटेंशियल वे से काम होता है तो बाकी ये है कि आप चलें जी ये प्रैक्टिकल वे से लास्ट पे चलते हैं अभी मैथड देख लेते हैं सोर्सिंग के और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्लास की तरफ चलेंगे अच्छा इसमें ना आपने करना क्या है ये ब्रांड हंटिंग का एक मेथड मैं आपको बता रही हूँ इसमें आपने ना जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसको राइट करके रखा हुआ है आइसक्रीम स्कूप मैंने राइट किया है ना एक वर्ड ठीक है अब आपने इट्स अप टू यू आप कोई भी यानी वर्ड आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कीवर्ड कीवर्ड नाट वर्ड कीवर्ड की आप राइट कर सकते हैं जो कि आपको लगता है क्योंकि अमेजोन पे कोई भी हम जहाँ ये कह ही नहीं सकते कि अमेजोन पे ये प्रोडक्ट नहीं सेल आउट हो रही है ऐसा अब पॉसिबल नहीं है मैंने स्टार्टिंग पे एक चीज़ आपको बताई थी कि इवन नीडल से लेके ना शिकायत अब कोई लिमिट ही नहीं है कि हम कह नहीं सकते ये प्रोडक्ट अमेजोन पे नहीं सेल आउट हो रही क्योंकि ये market है क्योंकि मार्केट है वर्ल्ड एवर वर्ल्ड वाइड ये मार्केट मार्केट प्लेस है इस टाइम पे आप कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पे राइड करके और उसके अगॉर्डिंग मैं वैसे रिकमेंड करूँगी पिछली असाइनमेंट जो आपने की हैं ना उनके रिकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट थी उनके की आप यहाँ कर सकते हैं अब उसमें ज़रूरी नहीं वही आप राइट करें इर्द गिर्द आपके कीवर्ड इतने ज़्यादा होते हैं की होल्डर की चेन की वॉल लाइक जितने भी आईफोन कवर इस तरह आप लगा लें तो आप उनको यहाँ पे राइट कर सकते हैं ठीक है अब कीवर्ड कोई भी आपने राइट कर दिया आप ये देखें राइट साइड पर ना आपको ये नज़र आ रहे हैं ब्रांड्स सो आपने क्या करना यहाँ पर ना राइट किया होगा ब्रांड के पॉइंट ये देखें सी मोर यहाँ पे आपने क्लिक करना और ये ज़्यादा से ब्रांड्स आपके पास आ जाएंगे अब इसमें सिर्फ मैंने एक कीवर्ड के रिगार्डिंग ये तमाम ब्रांड्स लिए हैं आप यहाँ पे कीवर्ड चेंज कर कर करके यहाँ से आपको मल्टीपल ब्रांड्स फ़ाइंड आउट हो सकते हैं जिनकी आप सेम मेथड लाइक जैसे मैंने आपको बताया हुआ है ई फाइंड आउट कैसे करनी है उनके नंबर कैसे फ़ाइंड आउट करने हैं और उसी तरह आपने इनकी एक फाइल बना लेनी है जिसके अकॉर्डिंग फिर आपके पास ये ब्रांड बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और सिर्फ मैंने एक कैटेगरी यहाँ पे राइट की है आप अपनी कैटेगरी फॉर एग्ज़ाम्पल पेट सप्लाई आप राइट कर लें यहाँ पे पेट सप्लाइज के अकॉर्डिंग या फिर एक और मज़े की चीज़ बताऊँ आपने गूगल भी जाना है आपने राइट करनी है पेट सप्लाइज प्रोडक्ट्स इन यू एस ए तो उसके अकॉर्डिंग आपके मल्टीपल की आ जाएंगे बहुत ज्यादा की आपको फाइंड आउट होंगे उनके रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे वन बाय वन राइट करके ना यहाँ से बहुत ज्यादा आप ब्रांड्स का डाटा उठा सकते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव श्योर लेकिन, sure करती चलू पहले मैंने प्रीवियस मैंने भी एक आपको माइक ऑन है किसी का माइक ऑफ कर लें मेरे ख्याल में किसी का माइक ऑन था अच्छा जी मैं बताने जा रही थी आपकी कोई भी क्वेश्चन है ना आप क्यूरी है आप डायरी पे नोट डाउन करके रखें और लास्ट में इंशाल्लाह उनको हाईलाइट करेंगे अच्छा इसमें आपने करना पता क्या है मैंने जो प्रीवियस आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया है ना उसमें मैंने आपको ये चीज़ बारह मेक श्योर की थी कि स्पाई मेथड जो है ना बहुत इफ़ेक्टिव मेथड होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी फाइंड आउट हो सकती हैं एंड uh, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांड्स या फिर न्यू एमजोन फ्रेंडली ब्रांड्स या फिर इस तरह अब इसमें ना एक और मजे बात बताऊँ यहाँ पे आपने एक कीवर्ड राइट कर दिया है ना अब इसके अकॉर्डिंग आप नीचे देखें अगर तो नंबर ऑफ सैलर यानी शो हो रहे हैं ना आपको जैसे कि सैलर स्प्राइट मेथड है और इसके ये एक्सटेंशन uh, है जो कि हमें टाइटल uh, के नीचे ही प्रोडक्ट की डिटेल बता रहा है अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले ना तो आप खुद भी देख सकते हैं ये देखिए नंबर ऑफ सेलर वन है अब इतने अब इसमें से कौन बताएगा कि कितने नंबर ऑफ सेलर काउंट करने पर हम प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं या फिर होलसेल की ये कौन डिफ्रेंशिएट uh, करेगा मैम होलसेल अच्छा जी एक सेकेंड अली आप माइक म्यूट करें ना जरा एक सेकेंड अच्छा ये राबिया आप बताएं आ रही है नहीं आ रही राबिया आप बताएं जी कोमल आप बताएं क्या सामने को मैम Well, मैम अगर नंबर ऑफ सेलर वन और टू शो हो रहे हैं तो ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स uh, हैं अगर नंबर ऑफ सेलर थ्री हैं या उससे ज्यादा हैं तो वो एफबीए की प्रोडक्ट है जबरदस्त एक्सीलेंट कोमल एंड ऐसा ही है बिल्कुल इसमें नंबर ऑफ सेलर जो है ना ये अगर वन टू टू होंगे तो हम कंसिडर करते हैं ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है सेकेंड सेलर पता नहीं ब्रांड खुद सेकेंड लिस्टिंग बना के uh, वहाँ पे सेल कर रहा है प्रोडक्ट को या फिर माइट भी ब्रांड का अपना कोई uh, यानी uh, कोई पर्सन uh, है क्लोजेस्ट uh, वन जो कि ब्रांड उसको लो कर रहा है कि आप भी बेचो लेकिन इसमें ना मिनिमम थ्री होने चाहिए अगर आप भी होल मॉडल कंसिडर करना प्रोडक्ट को अच्छा कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें ना सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं लाइक डैट फोर्टी फाइव सैलर थर्टी फाइव सेलर अब उस तरह की प्रोडक्ट को भी आपने रिजेक्ट नहीं करना आपने क्या करना है कि ब्रांड उन ब्रांड्स का ना अलीदा से आपने एक एक्जल की फाइल बनानी है उसमें ना अमेजोन फ्रेंडली ब्रांड्स का ना हेडिंग देनी है आपने और इन तमाम ब्रांड्स को वहाँ पर आपने ना आ, यानी कि सेव कर लेना है ठीक है उनके नेम यहाँ से कॉपी करके ना और उनको वहाँ पे सेव कर लेना है ताकि वो ब्रांड्स फॉर एग्जांपल वो ऐसे ब्रांड्स होंगे जो कि अमेज़ोन फ्रेंडली ब्रांड्स हैं अगर इतने सेलर्स को वो अप्रूवल दे रहे हैं तो इट्स मीनिंग आपको भी अप्रूवल मिलेगा ठीक है ना तो इस तरह आपने Uh, यानी कि यहाँ से वो ब्रांड्स भी उठाने की कोशिश करनी है सेकेंडली आपने ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ना ये तमाम ब्रांड्स इनको भी आप जो है ना वन बाई अच्छा इसमें एक और चीज़ है आपने क्या करना है अगर यहाँ से भी आप देख सकते हैं लेकिन सेकंड मेथड आपका ये है कि जब आपने इन तमाम ब्रांड्स को डाटा को कॉपी करके ना तो वहाँ पे एक्सेल में पेस्ट करना है ना तो वहां पे आपने फिर क्या करना है कि वन बाय वन इन ब्रांड्स को उठा के ना वन बाय वन इनको कॉपी करके एमेजोन की सर्च बार में आपने पेस्ट करना है ठीक है और उसके अकॉर्डिंग आपने ना फिर उन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को चेक करना है कि क्या ये ब्रांड्स फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक एग्जांपल इंकोर्ड कर देती हूँ ये आपने काम करना है एक्सेल की फाइल में ठीक है फॉर एग्जांपल जी जोगो ब्रांड है और इसको हम देख लेते हैं आपने क्या करना है ब्रांड को कॉपी करके ना यहाँ पर पे आपने पेस्ट कर देना और ये जो जोगो ब्रांड है ना इसकी तमाम प्रोडक्ट्स नीचे आ जाएंगी ये कि कितनी प्रोडक्ट्स ये सेल आउट कर रहा है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं वन टू फोर्टी एट प्रोडक्ट्स फर्स्ट पेज पे नज़र आ रही हैं लेकिन वन uh, थाउजेंड ये प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहा है ये जोगो ब्रांड अच्छा अब इसमें आपने ना इन ये सेलर्स प्राइड जो है एक्टिव हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट आपने क्या प्रोसेस करना है मैम नेट का बहुत इशू आ रहा है मुझे कभी आवाज आ रही है कभी नहीं कुछ समझ नहीं आ रही बस ठीक क्या माइक म्यूट कर लें माइक म्यूट कर लें प्लीज अच्छा इसमें आप चेक कर सकते हैं ये अभी लोड हो रहा है इसमें आपने एक चीज देखनी है आपको ना पता चल जाएगा कि ये जोवो ब्रांड की तमाम प्रोडक्ट्स हैं सेकेंडली आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो ब्रांड जो है क्या अमेजोन फ्रेंडली है कि नहीं अब या आप चेक करें थर्टीन सेलर है सेवनटीन सेलर को ये सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को उसके बाद नेक्स्ट तो आपने देखना है तो अगर तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब आ, उस ब्रांड के प्रोडक्ट में ना मी टू सेलर होते हैं इतने ज़्यादा होते हैं कि पता चल जाता है ये ब्रांड जो है ना ये अमेज़ॉन फ्रेंडली ब्रांड है अब ये अमेज़ॉन फ्रेंडली ब्रांड नहीं है ये आपको एक दो सेलर तीन चार आठ दस इस तरह से शो कर रहा है और ये नहीं हो सकता बाकी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे ब्रांड आपको यहाँ से मिलेंगे जिनमें आपको देखते ही वन क्लिक से आपको पता चल जाएगा कि ये अमेजोन फ्रेंडली है कि नहीं उसमें समटाइम ऐसे होता है फोर्टी एट सैलर फिफ्टी सिक्सटी सैलर इस तरह से मतलब इतने इतने सैलर को यानी कि उन्होंने अप्रूवल दिया होता है वहाँ से हमें ना एक आइडिया गैस मिल जाता है कि अगर इतने सैलर को अप्रूवल दे रहा है ना हमें भी चांसेस मिल सकते हैं तो ये चीज़ इसमें होती है और इस तरह आपने ना देख लेना है मेरा ख्याल है यही सुजेशन ये यह है कि आपने करना क्या है इन तमाम जो भी ब्रांड्स हैं ना इन ब्रांड्स के आपने कॉपी करके इन ब्रांड्स को एक्सेल की फाइल में पेस्ट कर देना और वन बाय वन एक एक ब्रांड को यहाँ पे आपने पेस्ट करके ना तो उनके अकॉर्डिंग चेक कर लेना है आयदर ये ब्रांड जो है ये अमेजोन फ्रेंडली है कि नहीं ठीक है इस तरीके से इस तरीके से आप बड़े अच्छे एक अच्छे तरीके से जा सकते हैं अब उसमें अगर फॉर एग्जांपल ये ब्रांड Amazon फ्रेंडली नहीं है ना इसको आपने फिर इसकी ईमेल वगैरह पे नहीं जाना आप इसको वहाँ से डिलीट कर देंगे और नेक्स्ट आप जितने अमेजोन फ्रेंडली ब्रांड्स होंगे ना जस्ट आपने उन पर काम करना अच्छा जी अब इसमें जैसे कि ये देखें अच्छा ये अगर किसी प्रोडक्ट पे हम ये लेके आते हैं ना कर्सर लेके आते हैं तो वो हमें ना यहाँ पे ना ग्राफ़ अभी लोड नहीं कर रहा ग्राफ़ हमें शो करता है तो वो एक तो ग्राफ़ की वजह से होता है एक डी एस क्विक व्यू एक्सटेंशन की वजह से ना ये हमें बता देता है आई होप कि ये तमाम एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर ली होंगी और ये कंपलसरी है इनके बगैर काम पॉसिबल नहीं होता अच्छा जी ये तमाम कंफर्म करें आवाज सबको क्लियर है नहीं मैम मुझे ये तो ये। कभी आ रही कभी नहीं आ रही मेरा नेट का इशू बहुत ज्यादा हो रहा है मुझे आधी रही समझ आ रही बिल्कुल समझ नहीं आ रही आ... मैम आवाज क्लियर है ओके रुक्साना के बैक से इशू है ना रुक्साना आप आ, यही रीजन हो सकती है ना आपके नेट का इशू होगा आप ऐसे में ये शायद पता नहीं क्या मसला है ये मेरा नेट बड़ा मसला कर रहा है नहीं नहीं वो मैम हमारे भी इधर हो जाता है कुछ डेज में काम ही नहीं कर रहा होता चलिए आप कोई इशू नहीं, नहीं कवर आ, मुझे समझ रही है मैम वहाँ से तो जहाँ से रुक रहा है या नहीं समझ आ रही तो वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल कोई इशू नहीं है आप रिकॉर्डिंग से ना कवर कीजिएगा जहाँ पे प्रॉब्लम आए आप डिस्कस कर लीजिएगा अच्छा इसमें ना सेकंड एक मेथड है जस्ट आपने गूगल पे जाना है और ये आपने इस फॉर्मेट के साथ चलना है ये सप्लायर या डिस्ट्री होलसेलर फाइंड करने का ना एक मेथड है मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को डिज़ाइन की हुई हैं उनके अकॉर्डिंग आप ये देखें यू एस सप्लायर प्लस पेट सप्लाइज ठीक है अब इसमें आपने करना क्या है कि पीछे से फॉर्मेट आपका सेम रहेगा आगे आपने प्लस पेट सप्लाइज जहाँ पर राइड किया गया ना यहां पे आपने अपनी कैटेगरी राइट करनी है जो मैंने आपको जॉइन की हुई है ओके यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपको सप्लायर या होलसेलर बहुत ज्यादा सप्लायर या होलसेलर फाइंड आउट होंगे आ, और ये देखिए अभी सी मोर पे हम जाएंगे ना तो मजीद वो हमें बताएंगे कि कितने ज्यादा हैं और ये गूगल मैप पे भी समाइम चले जाते हैं ये लेकिन लोड हो रहा है नीचे डाटा और ये अभी फर्स्ट पेज का ये हाल है कितनी अच्छा एड वाली वेबसाइट से आपने अवॉइड करना है ठीक हो गया ये टाइप की वेबसाइट्स होती हैं इनसे आपने करना है एड्स की विदाउट एड जो होंगी ना वेबसाइट्स उन पर आपने फोकस uh, करना है अब ये देखिए जी देखिएल इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं या फिर सेम मेथड है जैसे मैंने आपको बताया हुआ ना कि uh, इनके Uh, हमने ई और हमारा मेन कंसर्न इनके साथ होता है ई मेल या फिर फ़ोन नंबर के साथ या फिर हम इन वेबसाइट में क्या चीज़ें मज़ीद देखते हैं उसको मैं हाईलाइट करती हूँ आगे आपने करना क्या है कि लास्ट पर ना लास्ट पे काफ़ी मतलब ये देखें नीचे जाए जा रहा है ये डाटा और मज़ीद ये मोर रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे ना तो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और बहुत ज़्यादा यहाँ से ना आपको डाटा मिलता है तो ये ना मतलब कि सारी सी बात है अब पता नहीं कौ, कौन से लोगों जो कह रहे होते हैं हमें सप्लाई नहीं होल सेलर नहीं फाइंड आउट हो रही है वो इतना डेट है मतलब चार लाख की कुछ भी नहीं है मतलब इतनी ह्यूज अमाउंट पे यहाँ से डेटा हमें मिलता है और ये यू में मैं ज़्यादा वैसे प्रेफरेबल मेरे अकॉर्डिंग यू है और यू भी ठीक है आप चल सकते हैं लेकिन ना मज़ा यू में काम करने का आता है क्योंकि यू एस ए वर्थेबल मार्केट प्लेस है यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टैट्स स्ट्रे, बहुत ज़्यादा हैं इसके अलावा आपको आ, यानी रेवेन्यू ज़्यादा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू यू अच्छा इसमें आप चेक कर सकते हैं ये देखिए ओपन अ फ्री होल अकाउंट टूडे सो so, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से आ, देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट आप अब ये देखें इन्होंने ना ब्रांड बताए हुए हैं कि इन ब्रांड्स के साथ ना हमारा रिलेशन है फीचर प्रोडक्ट्स हमारी ये हैं इसके अलावा ये लास्ट पे ना कुछ आ, सम टाइम ना ऐसे होता है कि ब्रांड्स की वेबसाइट ना आपको टॉप से मिलती है टॉप से उन्होंने मतलब ई मेल और फ़ोन नंबर दे दिया होता है अगर उन्होंने टॉप पर नहीं दिया तो आपने क्या करना है मिड में कहीं देखना है अगर मिड में भी कहीं नहीं फाइंड आउट हो रहा लास्ट लास्ट आप आपने आ जाना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आपने इनकी ई मेल पर कैसे जाना है अब आपने ही देखा यहाँ पे भी ई मेल कोई नहीं है फ़ोन नंबर दिए हुए हैं लेकिन ई मेल नहीं है अब इनमें भी आ, आपने क्या करना है ये देखिए ई मेल आज डायरेक्ट आप ई मेल कर सकते हैं अच्छा एक और चीज़ आज आज, आज ना मैं लास्ट पे आपको जो असाइनमेंट डिज़ाइन करूँगी ना उसमें आपने ई मेल वगैरह भी उनको करके आनी है ताकि हम आपको एक्सपीरियंस मिले और लास्ट पे इस चीज़ को मैं हाईलाइट करती हूँ कि ई मेल करनी कैसे है इसमें आपने ना कॉन्टेक्ट फाइंड करना है यहां से भी हमने देखा कि कॉन्टेक्ट में हमें ई और ये कह रहे हैं डायरेक्ट ई बट ई दी नहीं हुई यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो वो हमें यानी कि सिंपल ईमेल के थ्रू uh, लेकिन हमने तो उनको प्रोफेशनल वे से उनसे बात करनी होती है ना हमें ईमेल मेल चाहिए होती है जो, जो कि हमने uh, एक प्रोफेशनल ईमेल बनाई होती है जिसके थ्रू हम उनसे रापता करते हैं तो नेक्स्ट आपने देखा कि फ़ोन नंबर भी मिल चुका है ईमेल फाइंड नहीं हुई अभी लेकिन अब इसमें कॉन्टेक्ट में भी समाइम अगर नहीं आपको अथेंटिसिटी मिल रही ऑफिस के तीन नंबर दिए हैं अब एक नंबर के थ्रू हमने रबता करना है अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड दे तो फिर सेकेंड वन पे मूव ऑन कर जाना है देन मेरे ख्याल में वैसे मेरे लिए बेस्ट ये रहता है कि मैं फेसबुक पे ज़्यादा जो है ना कर लेती हूँ एक्सप्लोर क्योंकि फेसबुक पे मुझे इनका डाटा काफ़ी फाइंड आउट हो जाता है अभी इसमें देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था ना अबाउट अस वाले ऑप्शन भी आपको ई और फोन नंबर फाइंड आउट हो जाता है आ, इनकी वेबसाइट में ना आप एक चीज़ कंसिडर करनी है समटाइम इनकी ई भी नहीं फाइंड आउट हो रही होती है हम फेसबुक भी देख लेते हैं ट्विटर इंस्टा सब कुछ देख लिया ई नहीं फाइंड आउट हुई उसमें फिर आपने क्या करना है ये देखिए लॉग और रजिस्टर रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो इनका एक फॉर्म होगा अगेन रिपीटेड डैट कि अगर ई मेल फाइंड नहीं हुई तो आपने लॉग इन और रजिस्टर वाला ऑप्शन यहाँ पर टॉप पे होता है इनका यहाँ पे शोर है अब आपने क्या करना है कि इनके जो है ना लॉग इन और रजिस्टर पर क्लिक करना है तो इनका ना एक फॉर्म ओपन होगा उस फॉर्म के थ्रू हमने इनसे कॉन्टेक्ट करना है उस फॉर्म को फिल करना है अब जो यहाँ पर मैं ये कह रही होती हूँ ना कि आपने क्लिक करके देख लेते हैं हमारे भी इन्होंने फॉर्म दिया हो तो कुछ ब्रांड नहीं देते क्योंकि उन्होंने कॉन्टैक्ट उसमें अपना दे दिया होता है कॉन्टैक्ट लेकिन अगर नहीं दिया तो हुआ तो फिर वो फॉर्म देते हैं अब फॉर्म के थ्रू ये देखिए उन्होंने फॉर्म दिया मैम जी जी मैं सायरा बात कर रही हूँ सॉरी फॉर द लेट कमिंग इन द क्लास क्योंकि मैं ना मेरे घर की लाइट गई हुई थी तो कुछ मिस तो नहीं हुआ क्लास का अ uh, सायरा ये सेकंड मेथड लास्ट में हम आए हुए हैं तो काफी मिस हो चुका है लेकिन चलें एनीहाओ आप ऐसे करें कि ये रिकॉर्डिंग आपको अवेल कर दी जाएंगी इसके जो आप कवर कर लीजिएगा और इतना मुश्किल काम नहीं है आज जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल इजी है तो टेक इट इजी एंड जस्ट रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी उसे आप कवर कर लीजिए ये ठीक है और मेरा का थोड़ा सा इशू आ रहा है मैंने आपसे ये भी कहना था कि जो कीपा का ग्राफ आपने बताया था मैंने बार-बार पे कोशिश तो हो, हो तो दीजिएगा उसका भी जी जी श्योर इन लास्ट में उसको कर लेते हैं और बाकी जी दिल आप क्या कह रहे हैं? को आ रहा है। की है आपको सभी को आवाज नहीं आ रही आवाज आ रही है लेकिन सही साफ नहीं आ रही चेक करें कोई नेट का इशू है चले जी अच्छा स्टार्ट करते हैं अगेन मैं आपको बता रही थी कि आपने करना क्या है कि उसमें हम देखते हैं कि इनका ना रजिस्टर लॉग इन पे क्लिक करते हैं ना जब मैं इन डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ना जाए आप किसी वेबसाइट को आपने ओपन किया है उसमें आपको कुछ ना आउट हो तो बुरी बात है ना कि को पहुंच सके तो इसलिए कि मैंने सारा से लिया पाक दे, तो फिर मुझे थोड़ा पता चला वरना ये बहुत इशू मेरे साथ हुई मल कभी मिलती है कभी प्रोडक्ट पता नहीं चलता है ये असाइनमेंट बड़ी मुश्किल से बनी है जी जी बिल्कुल ऐसे ही है और आई होप कि इंशाल्लाह इससे ना काफ़ी आपको हेल्प होगी बाकी थैंक यू ये आ, इसको आप जरा ना गौर से कंसिडर करेंगे मैं इसको क्यों टाइम ज़्यादा इस चीज़ पे लगा रही हूँ ताकि आपका जो है ना काफ़ी आपके लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होएगी अच्छा अब आपने करना क्या है कि टॉप से आपको ई मेल नहीं फाइंड आउट हुई और लास्ट पर भी आपको ई मेल नहीं फाइंड आउट हुई आपने क्या करना है कि आपने रजिस्टर या फिर यहाँ पे ना कॉन्टेक्ट का टॉप पे ऑप्शन होता है या फिर लास्ट पे ऑप्शन होता है अब लास्ट पे भी अगर नहीं मिला टॉप पे भी नहीं मिला कॉन्टेक्ट में जाके भी आपको कुछ ना फाइंड आउट हुआ तो फिर आपने क्या करना है कि आपने रजिस्टर या लॉग इन पे क्लिक कर देना है अब लॉग इन या रजिस्टर पे ये देखिए आपको फॉर्म उन्होंने असाइन किया हुआ है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अब उन्होंने कहा है रजिस्टर लॉग इन तो तब करते ना अगर लॉग इन हमारे पास आए होते हमने लॉग इन नहीं करना हमने रजिस्टर पे जाना है फर्स्टली आपने रजिस्टर पे जाके तो ये देखें जी ईमेल आपने राइट करनी है डेफिनेटली बिजनेस ईमेल होगी जो आपको क्लाइंट ने रेफर की होगी या फिर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने एक बिज़नेस ईमेल क्रिएट की होगी और यहाँ पे अगेन आप ईमेल राइट कर लें एंटर न्यू पासवर्ड आपको इस भी राइट कर लें और इसके अलावा टाइप इट अगेन उन्होंने कहा हुआ है कि वंस अगेन इसको तो टाइप करें कंपनी की एड्रेस आपने ना ज्वेलरसी क्रिएट करवाई होती है ना वो कंपनी की बेस्ट भी होती है और आप अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो वो आपको ये सारी चीज़ें क्लाइंट प्रोवाइड करता है डाटा तो फर्स्ट नेम आप अपनी मर्जी से राइट कर सकते हैं लास्ट इट्स अप टू यू और कंपनी नेम बाबा में एम एल एल सी यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो आपको क्लाइंट बताएगा आपने वो राइट कर देनी है एड्रेस यहाँ पे आप राइट कीजिएगा और वो वही एड्रेस प्रोवाइड करेगा जिसकी बेस पे उसने क्लाइंट ने यू एस ए में एल एल सी अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है अब उसमें सिटी कंट्री नेम आ, स्टेट कौन सा है फ्लोरिडा है स्टेट कौन सा जो भी है आपका वो आप यहाँ पर राइट करेंगे अब पोस्टल कोड भी वही आपको असाइन करेगा फ़ोन नंबर भी वही प्रोवाइड करेगा टैक्स आई भी वही प्रोवाइड करेगा ये सारी चीज़ें आपने क्लाइंट से लेके ना तो आपने जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं ना ये सारी चीज़ें वो आपको पहले ही प्रोवाइड कर देता है नहीं कि होती तो कोई इशू नहीं है आप उनको मैसेज करके ये चीज़ें उनसे कंफर्मेशन कर सकते हैं उसके बाद आपने क्या करना जब आप कंप्लीट इसको कर लेंगे सबमिट रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करके इसको फिल करके उनको सेंड कर देना है तो इसका फायदा पता क्या होता है इसका फायदा ये होता है कि आप जब उनको ये फॉर्म सेंड कर देते हैं ना उसके बाद फिर आपको रिप्लाई आता है <coughs> अच्छा जी जस्ट वेट कीजिएगा अच्छा अब आपने पर, क्या करना है कि ये लास्ट पे आपको ना सबमिट रजिस्ट्रेशन ये तभी ऑप्शन ओपन होना था जब मैंने ये सारी चीजें फिल करनी थी अब उसके बाद आपने इस पे क्लिक किया और फॉर्म को ओपन फिल करके उनको सेंड कर दिया उसके बाद उनका ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन रिस्पांस आएगा माइट भी वो एक दिन के अंदर आता है या फिर दो दिन आपको वेट करना पड़ता है अब आपने जब मुझे सेंड करना है ना आपने क्या करना है जब कोई ई मेल फाइंड आउट नहीं हो रही तो कोई इशू नहीं है आपने यहाँ से क्लिक करना है और राइट साइड पर कॉपी करके इसको और ई मेल uh, के फ्रंट पे या ई मेल वाली साइड पर ही आप इस फॉर्म फॉर्म टम्पलेट को ना पेस्ट कर सकते हैं अच्छा अब आपने क्या करना है कि ईमेल फाइंड नहीं हुई तो इन के हिसाब ने ये फॉर्म कंपल्सरी है वहाँ पे ऐड करके तो आपने अपने पास रिजर्व रखना है ताकि अगर जब आप ई करना शुरू हों तो आपने क्या करना है जब आपको पता चला कि जी इस पेड ड्रॉपशिपर की ना वैसे ना ये ड्रॉपशिपर है माइट बी ड्रॉप शिपिंग से आपने अवॉइड करना है, हम ड्रॉप शिपिंग नहीं करते हम होल सेलर या सप्लायर की वेबसाइट मैंने माइटी मैं ड्रॉप शिपिंग वाली वेबसाइट ओपन कर ली है अब आपने क्या करना है इनको ये चीज, ये चीज़ें देख लेनी है एक तो रिटेलर वेबसाइट ना हो एक ड्रॉप शिपिंग ना हो होलसेलर या फिर सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर राइट किया होगा तो वैल एंड गुड आप उस पर जा सकते हैं <coughs> अब आपने क्या करना है यहाँ से आपने इसको कॉपी किया और आपने एक्सेल फाइल में जहाँ पे ईमेल थी वहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है सो एज इट इज जो है ना आपका ये वर्क कंप्लीशन को हो जाएगा अब ये देखें पेड ड्रॉपशिपर है ना तो इसकी ना ये देखें ईमेल और फ़ोन नंबर उन्होंने दिया हुआ है मेरा वैसे ज़्यादा ये है कि मैं पर्सनली फ़ेसबुक से ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ तो मुझे फेसबुक से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आई लाइक ई मेल और फोन नंबर मुझे ज़्यादा अगर फजोरिटी ऑफ़ टाइम हमारा एक्सपीरियंस है कि यहाँ से ना डाटा इतना नहीं मैं ये नहीं कह रही वन क्लिक से आप फेसबुक पर चले जाएँ ऐसा नहीं करना आप यहाँ से देखें अगर यहाँ से मिल रही हैं चीज़ें तो ठीक है फ़ाइन अगर नहीं तो फिर आप फ़ेसबुक पर जा सकते हैं तो ये था कि जस्ट एक मैंने मेथड आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आपने करना क्या ये असाइनमेंट भी है साथ साथ आपको असाइनमेंट डिजाइन करती दी आपने क्या करना है यू एस ए होल सेलर सप्लायर पैट सप्लाइज आपने इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है और यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी डिजाइन करनी है जो जो कैटगरीज़ मैंने प्रीवियस आपको डिजाइन की हैं आपने उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेस्ट करके और उसके अकॉर्डिंग आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आपने एक फ़ाइल सबमिट करवानी है जिसमें आपने तमाम होलसेलर के जो हैं वो कॉन्टेक्ट्स वगैरह ऐड करके और वो सबमिट करवानी है तो ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है और नेक्स्ट में है ना इस रिकॉर्डिंग को सेव कर करके एक्सक्यूज मी मैम मैम हम लोगों ने ये असाइनमेंट कर लिया और आपको मैंने इनबॉक्स पे की थी आपको शायद नहीं मिली लेकिन मैंने असाइनमेंट करके कंप्लीट तो मैंने आपको सेंड कर दी थी व्हाट्सएप पे अच्छा इसमें ना ये असाइनमेंट जो मैंने प्रीवियस आपको जाइन की थी वो इनसे डिफरेंट वन है मेरे ख्याल में मैंने जो असाइनमेंट दी थी ना वो गूगल मैप के थ्रू आपको दी थी इसमें आपने क्या करना है आप... mm -hmm. तो आपने uh, anyone, आप आपने 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 दी थी थी डिस्ट्रीब्यूटर जो कैटेगरी साइन की वो कॉपी करके करके पेस्ट पर तो, uh, आप किसी भी टेक्सास uh, में सकते हैं इसी तरह ना मैं थोड़ा थोड़ा सा अब देखें, example, मैं एक एग्जाम्पल इंकोड करती हूँ यहाँ पे आप होलसेलर सप्लायर है ना यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर राइट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना मैं इसीलिए आपको चेंज कर कर करके ये मल्टीपल वेस चला रही हूँ ताकि आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा आए उसमें फिर ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको एक्सप्लोर करना जब तक आप चीज़, आपको चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं ना करना आएगा आप कभी भी आप इस फील्ड में अच्छे तरीके से नहीं एक राइट डायरेक्शन पर काम नहीं कर सकते तो इसलिए ना इन चीज़ों पे फोकस किया करें कि वो असाइनमेंट डिफरेंट वन है और ये आपकी उससे डिफरेंट है तो ये देखें फॉर्मेट ही डिफरेंट है इसके अकॉर्डिंग आपने चलना है लॉस एंजलिस स्टेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको असाइनमेंट डिज़ाइन की थी आई होप कि वो आपने कम्प्लीट की होगी तो उसको असाइनमेंट uh, को ना ये आपकी स्क्रीन शेयर करवा के लास्ट में मैं इनशाला हाईलाइट करती हूँ देखते हैं असाइनमेंट्स वगैरह और ये सिक्सटीन स्टूडेंट्स हैं तो लास्ट पे भी मैं इसी चीज को करती हूँ कंसीडर के आई होप कि होपेसटीन के सिक्सटीन ही होंगे प्रैक्टिकल क्लास में भी <clears throat> अच्छा, अच्छा जी आपसे बोल था कि लास्ट आपका क्लास में लिंक खत्म हो गया था वो प्रैक्टिस वाला जो था हमारा नहीं वो लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस माइट भी आपने काम नहीं अच्छा किया हुआ था प्रैक्टिकल क्लास नहीं कंडक्ट हुई थी आज इंशाल्लाह होगी ठीक है ओके अच्छा ये कुछ स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और उनको मैंने हाईलाइट भी किया था स्टेटस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अदील हो गया कोमल है या फिर ये आ, काशिफ ने भी बहुत अच्छी असाइनमेंट दी थी और मतलब काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे हैं बिल्कुल ही नहीं कर रहे ये अली बहुत बातें करता है और काम इसका जो है मुझे नजर नहीं आया तो अली कहाँ हो माइक म्यूट करे ना जरा अली का ना सबसे ज्यादा शोर होता है क्लास में और अली जो है काम करने में सबसे पीछे है तो अली काम भी सबमिट करवाया करो जी मैम सॉरी ऐसा मेरे मोबाइल की स्टोरेज होगी तो उसको मैं खाली करने मिलेगा तो इनसे आज मैं आपको भिजवा दूंगा कल तक आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह चले जी ओके ओके फाइन अच्छा इसमें ये ना रिकॉर्डिंग को सेव करते हैं अगेन मैं लिंक शेयर करूंगी और उसके थ्रू आपने क्लास ज्वाइन करनी है जी मैम ओके okay.